यहाँ पे जो चौरेट दिख रहा है, ऐसी वाला चौरेट तीन जगह में आप देख सकते हैं, एक उड़ीसा कोणार्क जगन्नाथपुर में और एक है तमिलनाडु महाबलीपुरम इन कर्नाटक में आके हम्पी में आप इधर देख सकते हैं। जो शिल्पी कलाकार लोग इतना टैलेंट था, बहुत टैलेंट से यूज करके बनाया था। हाँ। इसमें सिक्स कॉर्विंग्स देख सकते हैं सर, सिक्स एनिमल्स देख सकते हैं। अच्छा में देखिए सर, हम जो ऐसे हाथ पकड़े देते हैं मेंढक। तो अभी विठल टेम्पल आ गया हूँ, मैंने यहाँ पे गाइड किया है, बालराज जी है एंड तभी जाते हैं, देखते हैं मंदिर एक्सप्लोर करते हैं पूरा। और स्टोन चैरियट तो खास करके देखना ही है, अराउंड 45 मिनट्स लगेगा पूरा कवर करने के लिए, तो 1 आवर सेफ साइड पे पकड़ के चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ भी इंटरेस्टिंग दिखता है तो एंट्री पे से आपको ऐसे गोल्फ कार्ट मिल जाते हैं जो आपसे लेते हैं अराउंड 20 रुपीज़ आने जाने के लिए। एंड रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या फिर आर्किटेक्ट दिखते हैं, विच इज़ अराउंड 1.5 किलोमीटर्स का वॉक है वन वे वरना। एंड ये सब जो है पहले ना मुगलों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट हमारे आर्कियोलॉजिकल टीम ने इनको रिस्टोर करा है, तो इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। एंड जाते टाइम पे आपको अंजनी पर्वत भी दिखता है, तो ये है अंजनी पर्वत, बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे जो है हनुमान का फेस भी दिखता है, तो विच इज़ वेरी कूल। एंड ये आ गए हम विट्ठल मंदिर पे, सो दिस इज़ द एंट्रेंस। तो एंट्रेंस के लेफ्ट साइड पे वहाँ पे शंकर जी का मंदिर था, एंड उसके बाजू में ये सोने चांदी का बाज़ार लगता था, ये पूरा एरिया जो है बाज़ार के लिए होता था। एंड अगर राइट साइड में मैं पीछे जूम इन करता हूँ, तो लेट मी जूम इन, तो वहाँ पे जो है हॉर्स का स्टेबल होता था, जहाँ पे बेसिकली घोड़े को रहने के लिए जगह होती थी। तो लेफ्ट साइड में बाज़ार, राइट साइड में घोड़े का स्टेबल, एंड राइट साइड में ही टॉप पे अगर कोई फॉरनर आता था व्यापार करने के लिए तो उनके रहने की जगह होती थी। दिस इज अ सिंगल स्टोन, 16 फीट का, नाइस। ऐसे टेंपल है, मतलब ये टेंपल मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था मुगलों ने, एंड मोस्ट ऑफ द स्टोन्स पे नंबरिंग दिया हुआ है, सो दैट आर्कियोलॉजिकल टीम्स ने उसको वापस से बनाया है, और वो नंबर के हिसाब से दे नो कि अगर कल को वापस से कुछ हुआ गलती से, सो दे विल बी अगेन बी एबल टू रीबिल्ड इट, नाइस। सो वेलकम टू हम्पी सर। जो हम जो अभी आए हैं विजय विठल मंदिर में आए हैं, जो अभी जो पहले जो एक टेम्पल जो दिख रहा है ना सर आगे, इट इज़ कॉल्ड प्रेयर हॉल सर। ओके, ये प्रेयर हॉल है। यहाँ पे जो चौरेट दिख रहा है, ऐसी वाला चौरेट तीन जगह में आप देख सकते हैं, एक उड़ीसा कोणार्क जगन्नाथपुर में और एक है तमिलनाडु महाबलीपुरम इन कर्नाटक में आके हम्पी में आप इधर देख सकते हैं सर। ये जो कर्नाटक का टूरिज्म सिंबल है, अभी नया नोट में भी देख सकते हैं ये चौरियट, ये विष्णु का वाहन है कि गरुड़ वाहन। अभी जो गरुड़ का स्तंभ खड़ा रहता है सर हर टेम्पल में, बट यहाँ रथ जो खड़ा है, खड़ा के इसके अंदर जो गरुड़ का मूर्ति जो स्थापन किया है सर। बट ये जो है वेडिंग हॉल है सर, साल में एक बार विष्णु का मूर्ति रखिए, भगवान की शादी करते हैं राजा कृष्ण के जो है देख रहे ना सर। ये संगीत मंडप और नृत्य मंडप, कृष्ण देवरा का दो पत्नी थी, तिरुमला देवी एंड चिन्ना देवी, सेकंड वाइफ से डांसर थी, वो डांसर के लिए ये संगीत मंडप जो निर्माण किया है। बट ये आप बाहर से पत्थर नहीं लिखा है, इधर का पत्थर है, आपको सामने एक टम पर्वत दिख रहा है ना सर, वो पर्वत का वो पत्थर है सब, वहाँ से लेकर आके यहीं पे कट करके यहीं पे बनाया इंस्ट्रूमेंट पिलर्स। इसमें जो 56 इंस्ट्रूमेंट पिलर्स है, हर पिलर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पिलर बसता है सर। ईस्ट एंट्रेंस, ओके, ईस्ट एंड साउथ कॉर्नर में जो किचन हॉल होता था वो पूरा किचन हॉल, ये पूरा डाइनिंग हॉल होता था पहले, ये इस तरफ जो आईसी रूफ होता था पहले, ये रेस्टिंग हॉल होता था पहले। अच्छा, रेस्ट लेने के लिए। तो अभी उसका रूफ पूरा वो डिस्ट्रॉय हो गया, फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वो पिलर जो गिर गया था फिर खड़ा के रखा है सर। ओके, अरे टेम्पल पूरे पंच का पीठ है, पंच पीठ बोलते हैं। ओके, इसमें जो आगे जो तुलसी का वृंदावन भी देख सकते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे जो दिया स्तंभ होता था पहले, समझा, यहाँ पे तो जो बाहर हमने देखा था वो यहाँ पे होता था। ओके, यहाँ पे जो दिख रहा है ना सर, नैवेद्य भगवान को प्रसाद रखने के लिए, भोग रखने के लिए। ओके, सेंटर छोटा वाला,
ये पंचपीड और यहाँ पे भोग रखने के लिए और यहाँ पे दिया स्तंभ होता है, तुलसी का वृंदावन, तुलसी का वृंदावन भी। ओके, ये हवन कुंड होता है। ओके, ये रथ जो पहले नहीं मूव होता था, ओनली शो के लिए ये रथ जो निर्माण किया है, बट साल में एक बार यहाँ पे जो बड़ा फेस्टिवल जो सेलिब्रिटी करता था राजा कृष्ण देवराय, तब जो विठ्ठल भगवान का मूर्ति और रुक्मणी का मूर्ति स्थापन करता था ना सर, पूजा होता था ना सर, तब रॉयल फैमिली आके सिर्फ ये रथ का व्हील जो घुमाता था सब हाथ से। अच्छा, तो ये मूव होता था पहले, अभी तो वो कर दिया ना, लॉक कर दिया। हाँ, ये रथ पहले नहीं मूव होता था, ओनली व्हील व्हील मूव होता था बस, रोटेट होता था। ओके, बहुत बढ़िया। ये जो कोणार्क सन टेम्पल जो है, दैट इज अ सिंगल स्टोन है, 24 व्हील्स है। ओ, बट यहाँ पे जो 24 पीसेस का रथ है, इसमें जो रथ का व्हील जो सेपरेट है, देखिए सर, अलग अलग चार व्हील है, इसका अंदर जो कार्विंग्स भी अच्छे किए हैं, देखिए सर, अलग है जो यहाँ पे जो एक्चुअली 7 साल पे ये पहले जो गांव लोग भी घुमाया सर व्हील जो, अच्छा, गाँव लोग जो सब लोग घुमाया घुमा का इसी वगैरह। अच्छा, बट साल में एक बार घुमाता था पहले सर, पहले अभी अभी दिन भर यूज किए तो नॉर्मल, अभी तो लॉक ही कर दिया उसको। लेकिन बोला तो वहाँ पे जो एक लॉक सिस्टम जो कट हुआ है, समझा, डिपार्टमेंट जो नीचे से सीमेंट लगा दिया, बट कुरान हिसाब से ये फेंसिंग भी डाल दिया करने के लिए, क्योंकि अभी नोट पे आ गया तो बहुत ज्यादा लोग वो करेंगे। गोडा का हेल्प मेडिकल चेस्ट भी रहता था पहले। हाँ, घोड़ा का मेडिकल चेस्ट कैसे रहता था बोले तो यहाँ पे बनाया था, क्योंकि लॉन्ग जंप हाई जंप भी चक करके देखता था ना सर, दिख रहा है ना। हाँ, तो सब सही रहे तो यहाँ पे परचेज होता था सर, दिख रहा है ना सर, पूरा मजा तो पूरा खरीदने से पहले हर चीज चेक करते थे कि सही चीज मिल रही है कि गलत मिल रही है। बराबर, ये जो इंस्ट्रूमेंट पिलर्स है सर, हर पिलर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो बजता है, टॉप टू बॉटम ये जो सिंगल स्टोन है, उसमें छोटे छोटे कॉलम जो दिख रहे हैं ना सर। हाँ, ये पतला पतला मोटा है, दिख रहा है ना, मोटा है, yes, yes. है, इसमें एक एक कॉलम में एक एक स्वर बजता है सर, एक से सारा पिलर जो है इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जो बजा है तो सरीगम इंस्ट्रूमेंट बजता है सर। अच्छा, सरीगम अभी तो पूरा अलाउड नहीं है ना, अलाउड नहीं सर। यस, सात पिलर है, सात कॉलम्स है, सात कॉलम में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बढ़िया। सामने जो सात कॉलम है, पीछे जो सात कॉलम है, अंदर बाहर जो बजाया था सरीगम इंस्ट्रूमेंट, अंदर जो बजाया था सनीदपा इंस्ट्रूमेंट। ओहो, ये क्या बात है, पंचताल का इंस्ट्रूमेंट है सर। अच्छा, भजन करता है ना सर। हाँ, पंचताल का और तबला का, मृदंग, तो मतलब अलग अलग इसके इसके हिसाब से ये चेंज होते जाते हैं। नाइस, राजा कृष्णदेव का दो पत्नी थी ना सर, त्रिमला देवी, चिन्ना देवी, सेकंड वाइफ इज अ डांसर। हाँ, उसका डांसर का स्टैचू भी आप देख सकते हैं, यू कैन सी मिड साइड द स्टैचू डांसर। अच्छा, यस 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 यस, दिख रहा ना सर। हाँ, शेव उनका ही है या फिर उनसे इंस्पायर्ड है? नहीं, उनका है सर, उनका ही है। अच्छा, यहाँ से देखिए सर, हर चीज बनाते थे, हर चीज का फंक्शन होता था ना सर। हाँ, आर्किटेक्चर बना के दिखाया सर इधर। अच्छा, हर चीज का, पहले दांडिया भी खेलता था। हाँ, हाँ, ये अरे दांडिया का देखिए सर, इतना डिटेल है, छोटा छोटा, क्या बात है। डमर का इंस्ट्रूमेंट भी बजाता था। हाँ, विष्णु का अवतार है, नरसिंह का, देखिए सर। हाँ, वो नरसिम्हा टेम्पल भी देखा मैंने, ये बराबर, ये बैंगल डिजाइन बनाया, कितना सुंदर से बनाया, देखिए सर। हाँ, ये देखिए सर, दो सीज के यूज होता था सर, ये बैंगल का डिजाइन भी है और काटन का कपड़ा बांधने के लिए यूज होता था। ओ, दिख रहा है ये कपड़े का, यस 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 यस, ठीक है सर। टॉप टू टॉप भी वो उक्स दिखता है ना सर। हाँ, टॉप टू बॉटम काटन का कपड़ा बांध देता था सर। अच्छा, बांध के ये टेंपल को पूरा कवर कर देता था। ओ, तो पर से पूरा यहाँ पे वहां से नीचे तक, क्या बात है, काटन का कपड़ा बांध के टेंपल को पूरा कवर कर देता था, कवर करके 56 इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, 56 म्यूजिशियन कराता था सर। ओ, कड़ा के चंदन का लकड़ी से बजाते थे, क्या बात है, जो भजन के टाइम में अंदर रानी नाचती थी। अच्छा, सिर्फ रॉयल फैमिली देखता पब्लिक के लिए नॉट अलाउड, नॉट अलाउड ऑब्वियसली सर, तभी वो उसके लिए कॉटन का कपड़ा लगा के रखता था कि लोग नहीं देख पाए। सही बात है, बहुत खूबसूरत है।
अभी भी ये टेम्पल जो है बारिश का टाइम में बहुत सुंदर लगता है कि बोला सर इतना टैलेंट से बनाया। देखिए सर ऊपर जो पानी गिरा तो वो पानी का और देखिए सर ऐसे निकलता है सर पानी। अच्छा तो आपसे डायरेक्ट यहाँ पर गिरता है यहाँ से ऐसे डायरेक्शन तो यहाँ से फिर ऐसा फ्लो होता है प्रॉपर। हाँ फ्लो फ्लो होता है सब प्रॉपर। मतलब एक बार बारिश में ऑफिस आना पड़ेगा हम भी। यस टॉप टू बॉटम जो टेंपल जो दिख रहे हैं सर। हाँ ये टेंपल का छोटा मिनिएचर है। ओ मिनिएचर सर देखिए सर मिनिएचर का आपको दिखाऊंगा। यहाँ जो नीचे जो बेसमेंट जो दिख रहा है ना सर ये अच्छा ये पोगड़ा स्टाइल बोलते हैं सर ये पहले दिया लगाने के लिए डेकोरेशन का। हाँ ओके यहाँ जो बैंगल डिजाइन ये कॉटन कपड़ा बांधने के लिए यूज करता था समझा। प्रकार स्टेज है यस 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 ये दो पिलर्स है दो पिलर्स। हाँ अलग अलग दो पिलर्स है ऊपर जो ऊपर का शिखर जो है ना सर ऊपर का रूफ। हाँ ये जो शिखर होता था समझा। ऐसे 10 मिनिएचर है 10 मिनिएचर के एक विष्णु का 10 अवतार जो निर्माण किया है ये नरसिंह जी का होता है। ओ क्या बात है। पहले यहाँ पे शिल्पी कलाकार जो होता थे ना सर पहले छोटा मिनिएचर बनाता था जो राजा को जो पूजा पसंद जो लगे तो बाद में टेम्पल जो कंप्लीट करता था। अच्छा तो वही मतलब उनको पहले जैसा अभी वो बिल्डर लोग पहले छोटा सा बना के दिखाते हैं और फिर उसके हिसाब से पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। सही है अभी भी नया घर बनाए तो ऐसे। हाँ पहले छोटा सा दिखा देते नहीं तो फिर बड़ा हो जाएगा तो फिर तो पिसे बताइए आप ही बनाड़ अलग कन्नड़ स्क्रिप्ट है कन्नड़ और तेलुगु मिक्स। तो ऐसे टोटल 10 मिनिएचर है और हर एक मिनिएचर में अलग विष्णु जी का अवतार है दशावतार जो। यस मतलब ये अंदर तक है और पानी अंदर अंडरग्राउंड जो आप कैनाल बोल रहे थे तो अंडरग्राउंड कैनाल से इसको पानी मिलता है अभी भी आता है जल जो मिल जाता है ना। हाँ ग्राउंड लेवल वो जल मिल जाता है बहुत खूबसूरत है अभी। पार जो गया था ना आप सर का बर्थ प्लेस भी देखा है। यस यस ये बाली और शिवरी का राजधान था पूरा एरिया। अच्छा बाली ओ शिवरी ये किष्किंधा नगरी बोलते थे ना। अच्छा हाँ किष्किंधा खान। अच्छा ये बाली और शिवरी दो दोनों जो युद्ध हो रहा है ना सर। हाँ स्टैचू आप ऊपर देख सकते हैं। ओ दिख रहा है ना जो सेकंड वाला है ना फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला सबसे ऊपर। यस 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 बाली और सुग्रीव वाली सुग्रीव वाली और सुग्रीव दोनों भाई भाई है सर। हाँ बट कोई आदमी बाली का पास लड़ाने करने के लिए नहीं जाता था सर। युद्ध करने के लिए जा सकता था बोला था युद्ध करने के लिए गया तो आधा पावर जो बाली को ऑटोमेटिकली आ जाता है। हाँ। इसलिए सब लोग डरता था रावण का बाली का पास बाली से। इसलिए राम जी चैत्र मास में 4 महीने तपस्या करते बाली को मारने के लिए। तब जो चैत्र मास में 4 महीने तपस्या करके बाद में बाली को मारा था। हाँ बराबर ये 7 पेड़ के पीछे चुटके बाहर मारा नदी का किनारे में जो युद्ध होया था। हाँ 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 जो तब जो राम जी तुंगभद्र रिवर में सामने खड़ा के जो बाण मारा था चैत्र मास में वो फर्स्ट वाला सर। यस ये देखो अभी अंदर जो एक मंदिर है उसमें टेंपल है। ओके कुछ भी नहीं खाली टेंपल है। अच्छा ये जो नॉर्थ एंट्रेंस मंदिर में दर्शन होने के बाद बाहर जाने के लिए। अच्छा भगवान का उनका पीछे का पेट भगवान को नहीं दिखाता था ना बराबर। यस 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 इसलिए ये बनाया उसके लिए। हाँ तो ऐसे ही ऐसे निकल जाएंगे अभी हर टेम्पल जाकर ऐसे रहते हैं। हाँ मतलब हम भी जब पीठ पीछा घूम के जाते हैं बराबर सर। यहाँ देखिए सर इधर आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से देखिए सर मेघनाथ रावण का बेटा है लक्ष्मण जी। हाँ और हनुमान जी।
लक्ष्मण जी को उठाया था ना सर, युद्ध करने के टाइम क्राउड में रहता था मेघनाथ, तब युद्ध होता था, तब मूर्छ लग गया था ना सर, बराबर बाण से मारा था, तब मूर्छ लग गया था, तब वो संजीवनी यहाँ पे जो मूर्छ लग गया था, अच्छा यहाँ पर संजीवनी पर्वत हनुमान जी लेकर आ रहे टॉप वाला, यस यस कुंभकर्ण का स्टैच्यू है, अरे वो छह महीना सोता था, छह महीना उठता था, बराबर रावण का भाई है पूरा, मतलब जो जो मेन है सर रामायण के, हाँ सर वो सब है, ये लंका दहन है, हनुमान जी लंका दान किए था ना, हाँ लंका में वो स्टैचू है, अच्छा हनुमान जी बैठे ऐसा और पूछ से आग लगा रहे इधर देखिए जो सीता का स्टैचू दिखता है, हाँ सीता जो यहाँ पे जो पेड़ के पीछे, हाँ वो पेड़ के इधर बैठ आ रहा है सर, अच्छा हनुमान जी का स्टैचू भी, हाँ तब जो अंगूठी दिया था ना, हाँ बराबर की राम जी आ रहे हैं आपको बचाने के लिए, बराबर यस, बाद में प्रूफ के लिए दिया था ना सर राम जी, हाँ स्टैचू देने के, बहुत बढ़िया, इधर देखिए सर ये राम लक्ष्मण सीता का स्टैचू है, ये पूरा वानर सैन्य, अच्छा ये पहले जांबवंत है, हाँ हनुमंत सुग्रीव और वाली, हाँ मेन मेन सब मेन मेन का सीज, ये वाली और सुग्रीव का राजधान था, ये सुग्रीव आके एक प्लेस में छुपा था ना सर, हाँ ये वहाँ पर जो वाली नहीं आ सकता था, बराबर ये प्लेस है सर ऋषिमुख पर्वत बोलते हैं, कौन सा वो दोनों में से दो पार्ट दिख रहे हैं ना सर, हाँ दो दो ही कर रहे हैं ना, फर्स्ट की सेकंड इस तरफ राइट साइड, राइट साइड वाला ऋषिमुख पर्वत, ये पूरा एक ही पर्वत है सर, अच्छा एक ही है, बड़ा पर्वत है ये, बड़ा पर्वत है, अभी भी गुफा है सर, अच्छा अंदर अभी भी पूजा होते रहते हैं, अच्छा उधर जो सात संत लोग भी रहते हैं, अच्छा अभी भी गुफा का अंदर अभी भी पूजा होता रहता है, दसवें साल ऋषिमुख पर्वत, ऋषिमुख पर्वत वहाँ पे जो माता महर्षि जो तपस्या किया था ना, हाँ हाँ स्थान है पूरा, सात संत लोग भी रहता था पहले उधर, अच्छा वहाँ जो बाली नहीं आ सकता था सर, क्यों बोले तो बाली को श्राप था ना सर, समझा तो वहाँ पे छुप के रहता था, बराबर ये गजलक्ष्मी है एंड ये विष्णु जी के द्वारपालक है, जय और विजय, कितना विजय सर सुंदर से किया है, देखिए जो डिटेल अब जो हम्पी में, हाँ नरसिंह, हाँ हाँ बड़ा स्टैचू था, यस यस यस, बगल में लक्ष्मी होता था पहले, बराबर लक्ष्मी जी को सुल्तान लग तोड़ दिए, बट आग लगा के सब जलाने पर जलने फिर जला के फिर तोड़ दिया, फिर हाथ बचाया वाला हाथ जो बचा है पूरा जो फेस बॉडी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, अच्छा अब देखा है ना, हाँ नरसिम्हा मैंने देखा है वो शेषनाग पे बैठे हैं, पहले ऐसे मतलब स्टैचू तो उसका ही मिनिएचर है, पहले मिनिएचर ओके 94-96 में, हाँ सर ये व्हाइट व्हाइट वाला जो भी है, हाँ पूरा सीमेंट है, सीमेंट है ना, डिपार्टमेंट जो रिकंस्ट्रक्शन की है, ये पिलर जो चेंज नहीं किया है, पिलर ऐसी है, अच्छा चेंज किया, हाँ रूफ स्लैक्स भी मार्क्ड है, यहाँ पे जो बहुत दूर से विदेशी लोग जो आते थे लोग का टैलेंट दिखा था, हाँ पहले ब्रेक डांस होता था, पहले था अच्छा जनरेशन भी करता था, बस अभी पॉपुलर बहुत ज्यादा है, चाइनीज डांसिंग है, माइकल जैक्सन टाइप्स लेडीज है, सब पूरा उनके कॉस्ट्यूम भी देखे अलग है, हाँ इंडियन डांस है, क्या बात, जो हिरण्यकश्यप को नरसिंह जी जब बराबर तो ये वही है ना, हिरण्यकश्यप को पकड़ा हुआ है तो दरवाजे पे ना हवे में ना जमीन पे ये राजा का स्टैचू है, यस ओ सही, देखिए सर पहले जो लेडी सोल्जर्स
अच्छा करता था ना सर। शेर है? हाँ शेर है। वाह भाई ना पावरफुल होती थी ना सर। हाँ ना बालकृष्ण यहाँ पर मक्खन खा रहा है बालकृष्ण। हाँ देखिए सर कितना टैलेंट से बनाया शिल्पी कलाकार लोग। टू बॉडी एक हेड का स्टैचू दिख रहा है। देखिए हाँ दिख रहा है ना सर। यस मंदिर में अंदर जो रहता था। अच्छा मंदिर जो अंदर रहता था विठ्ठल का भगवान का मूर्ति और रुक्मिणी का मूर्ति। हाँ और जो विष्णु जी का द्वारपाल जय और विजय। जो जय और विजय यहाँ पे जो जय है यहाँ पे देख सकता है। अच्छा बड़ा स्टैचू है जय का स्टैचू। हाँ ओके देखिए सर ये जो मुगल जो अटैक करने के बाद ये मूर्ति जो तोड़ दिया था। हाँ डिपार्टमेंट जो है वो पूरा गिर गया है वो सही बना के देखिए सिर जो कट हुआ था। हाँ, सिर हाँ, जो जुड़ा के रखा है ये हाथ भी कट हुआ था हाथ को जुड़ा के रखा है देखिए ना सर। हाँ, हाँ, और सब सही करके यहाँ पे जो कड़ा के रखा है समझा। बट जो मोगल जो उन लोग डिस्टर्ब करने के लिए आया था हम जो नया घर जो बनाया था कुछ में वास्तु हिसाब से हम लोग बना था घर। हाँ, पहले वास्तु हिसाब से बनाता था मंदिर। तब जो क्या मंदिर में पहले सोना चांदी सब पहले ज्यादा होता था। हाँ बराबर उस टाइम में कुछ भी इसका अंदर जो लगाया जाता है इसमें रखा है जो मोगल जो क्या की बोलते इसमें जो मूर्ति जो बिठाता था ना सर। हाँ मूर्ति को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया मोगल इसमें कुछ भी अंदर सोना चांदी रह सकता है बोल के इसलिए तोड़े मतलब लालच के नाम पे जहाँ से जो मिल जाए निकाल लो। यहाँ जो ऊपर भी देख सकते हैं हाँ। पूरा ब्रिक्स का बनाया पहले जो ब्रिक्स यूज करता था। हाँ पूरा ब्रिक्स यूज करता था ये जो ब्रिक्स जो वेटलेस जो होता था जो वेटलेस फिर उसमें जो कार्विंग्स भी अच्छा कर सकता था। अच्छा इसलिए विष्णु का पूरा कार्विंग जो बनाया देखिए सर ऊपर। हाँ हाँ पूरा सरोवर में विष्णु का स्टैचू देख सकता है। यस यहाँ पे जो राइट साइड में कालिंग मर्दन के ऊपर नृत्य कर रहे हैं दिख रहा है ना सर। यस बीच में एक स्टैचू दिख रहा है ना सर विष्णु का स्टैचू है ये बगल में श्रीदेवी भूदेवी दो स्टैचू था। अच्छा वो हेड जो कट किया समझा 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 अभी सिर्फ बॉडी है हेड कट कर दी। यस ऐसे गोवर्धन पर्वत जो कृष्ण जी उठाया था ना उधर भी। हाँ यस 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 ऊपर जो पूरा ऊपर जो विठल भगवान का मूर्ति यहाँ जो विठल और रुक्मण का मूर्ति स्थापन किया था वो बेस है। अच्छा अभी वो मूर्ति तो महाराष्ट्र में अभी डायरेक्ट आप रथ का अंदर रेड का मूर्ति भी देख सकते हैं सर। ठीक है सर तब जो रॉयल फैमिली दर्शन होने के बाद हाँ ये परिक्रमा करने के लिए अंडरग्राउंड सिस्टम देखिए सर पहले रॉयल फैमिली जाने के लिए अंडरग्राउंड सिस्टम ऐसे ऐसे जाके ऐसे आ सकता है पूरा ऐसे घूम के पूरा तो सही है। ये पहले हम जो मंदिर गए तो बाहर परिक्रमा करता था। हाँ बराबर पहले ऐसे नहीं होता था भगवान का पैर के नीचे परिक्रमा करता था। अच्छा क्यों बोला था उनका पाप जो विमोचन होने के बाद समझा विमोचन होने के लिए भगवान इसके लिए ऊपर है और ये पूरा नीचे अच्छा सर विमोचन होने के लिए। देखिए सर ये पहले जो है ये पहले कैनल होता था। अच्छा ये पूरा पानी कड़ा देता था इसके अंदर ये टेम्पल धोने के लिए यूज होता था। अच्छा फिर छोटे छोटे होल भी बनाया देखे सर। हाँ ऊपर जो होल जो दिख रहा है। हाँ हाँ वो लाइट पावर जो सनलाइट जो गिरता है ना सर वो सनलाइट गिरा तो रिफ्लेक्शन लाइट हिसाब से दिखता था सर। समझा तो पूरा ब्राइट हो जाता। ब्राइट हो जाता बहुत बढ़िया। ऐसे जाके ऐसे आ पूरा सर्कल से ऐसे जाएंगे सर्कल और यहाँ से अब ये जाके आए तो जा सकते हैं सर। मैं अकेले नहीं आऊंगा मैं के बाहर जो है वो ओरिजिनल रूफ है बट इसके पहले जो हमने देखा था वो गवर्नमेंट ने थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट किया था उनके एंड से सीमेंट लगा के। साउथ एंट्रेंस और उसके बाजू में मीटिंग हॉल बोलते हैं एंट्रेंस पिलर मीटिंग हॉल बोलते हैं। हंड्रेड हंड्रेड पिलर है हो
100 पिलर मीटिंग हॉल बोलते हैं, अभी बचा 80 पिलर। ओ 20 तोड़ दिए, 20 पीछे जो गिर गया सपोर्ट। अच्छा अभी ये भी गिरने का पोजीशन है। ओ डिपार्टमेंट जो पिलर जो खड़ा के रखा देते थे, ये पहले का नहीं था, अभी डिपार्टमेंट ने लगा। इसमें देख सकते हैं इधर सामने आइए सर, तब जो जनरेटर में जो शिल्पी कलाकार लोग इतना टैलेंट था, बहुत टैलेंट से यूज करके बनाया था। हाँ। इसमें 6 कॉर्विंग्स देख सकते हैं सर, 6 एनिमल्स देख सकते हैं। अच्छा देखिए सर, हम जो ऐसे हाथ पकड़ा देते हैं तो मेंढक, हाँ पानी में जंप करता है ना सर, हाँ ऐसे दिखता है, दिख रहा है ना सर? ठीक है। हाँ हम जो ऐसे पूरा हाथ किए तो बाहर निकले तो बड़ा बंदर छोटा बंदर को हाथ पकड़ के ऊपर उठा रहा है, दिख रहा है ना सर? हाँ इधर आइए सर, थोड़ा यहाँ पर देखिए सर, बड़ा बंदर जो बैठा है, पूंछ लेग बॉडी हाथ फेस, बड़ा बंदर जो बैठ के छोटा बंदर को दूध पिला रहा है सर। हाँ दिख रहा है ना सर? थोड़ा इधर आइए सर, ऐसे देखे तो शिवलिंग के ऊपर शेष नाग, वो नाग जो होता है ना, हाँ नाग। यहाँ पर देखिए सर, हनुमान जी लंका जाने के लिए उड़ रहा है सर, फ्लोइंग फॉर हनुमान इज लंका। Oh, nice. Two leg, this is the tail, body and face. देख रहा है ना सर? Yes. हम जो ऐसे देखे तो स्नेक मूविंग पोजिशन, स्नेक जो मूव होता रहता है ना सर, हाँ 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 वो पोजिशन देखते हैं सर। इतना छोटा में इतना कार्विंग्स आप देख सकते हैं, 61 कार्विंग्स। मेन जो शिल्पी कलाकार तुम भी बीच वाले बड़े हाथ जोड़ के खड़े सर, आर्किटेक्ट होता है ना सर? हाँ जो आर्किटेक्ट है शरबा पैया बोलते हैं, शरबा पैया, शरबा पैया। हाँ टू बॉडी है, एक हेड के स्टैचू है, दिस नेम इज कॉल्ड गौरी गणेश, गौरी गणेश। अच्छा ऐसे देखो तो हाथी दिखता है। हाँ हम जो ऐसे हाथ कवर जुड़े तो नंदी दिखता है, बोल। हाँ यस 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 हाँ निकल तो टू बॉडी बॉडी वाला है। ये जो ट्री है, ट्री को एलिफेंट सुंड से उखड़ रहा है सर, यस ऐसे हाथ कवर किए तो गणेश जी का स्टैचू है। रावण का स्टैचू देख सकते दशानंद का, अच्छा दस सिर देख रहा है ना सर? यस यस दशानंद सीता माता को उठा के लेके जाके अशोक को वाटिका का में रखा था सर। हाँ वो स्टैचू ऊपर जो दिख रहा है ना सर? हाँ एक जो कटा है उधर दिखाया था आपको, बराबर। हाँ बाद में सीता माता को लेकर आने के लिए हनुमान जी को जो गया था लंका, हाँ हनुमान जी के ऊपर जो अटैक होता है, हनुमान जी चैलेंज से पूछ के सबको पकड़ना पकड़ मारा था ना स्टैचू। बाद में रावण को बेटा को गुस्सा आ जाता है। हाँ इंद्रजीत, अच्छा इंद्रजीत को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आने का बाद जो ब्रह्म जी दिया था ना सर, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र को लेके मारने के लिए जाता है। यस हनुमान जी को पकड़ के लेके जाके रावण के सामने खड़ा होता है। हाँ खड़ा देने के बाद सब लोग सिंहासन के ऊपर बैठे रहते हैं, हनुमान जी को बैठने के लिए कुछ भी नहीं दिएगा, बराबर तो कुछ 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 बाद में रावण बोलता है आप जाइए हनुमान जी को पूछ को आग लगा दिया। हाँ हनुमान जी को पूछ को आग लगा दिया था ना? हाँ वो स्टैचू लंका जला दिया, पूरा हनुमान जी लंका जला देते हैं, लंका को ऊपर चढ़ के। हाँ पूरा लंका जलाने के बाद ये पानी में तैरने के लिए जाते हैं ना सर? हाँ तो गंगा माता प्रदर्श होता है। यस ये देखिए सर, यहाँ से वानर सेना जो गया था, हाँ तो ब्रिज बना रहा है राम सेतु, हाँ लंका जाने के लिए ये राम सेतु जो बना रहा है। अच्छा राम जी को वहाँ पे बैठने के लिए कुछ भी नहीं था ना सर? हाँ हाँ छोटा पत्थर जो चुड़ा के सिंहासन करके बिठाया था। यस यहाँ पर देखिए सर विष्णु जी का स्टैचू है। हाँ सिद्ध देवी और भू देवी वहाँ नहीं देखा, वहाँ पे नहीं था सर, नहीं था। यस सो मैं विठल टेम्पल से तो आ गया, जो मुझे गाइड मिले थे बालाराज जी भाई, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है
मज़ा ही आ गया एंड हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली हम पे आओगे, तो उधर नहीं जाओगे तो ट्रिप पूरी नहीं होने वाली है। तो मैं तो उसका, मेरे पास इतना वीडियोज़ मैंने बनाए हैं और उन्होंने इतना मुझे इन्फॉर्मेशन दिया, तो आई थिंक मैं सिर्फ एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जस्ट फॉर विट्ठल टेम्पल एंड उसके हिस्ट्री के बारे में और उधर जो जो चीज़ें रखी है क्या है कैसे करके। सो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ कट नहीं करा है, बट अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। एंड ये वाला वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।